बनभूलपुरा की घटना पे 24 घंटे भी नहीं लिए कैबिनेट बैठक बुला ली, लेकिन जोशीमठ की घटना में 13 तारीख को बैठक बुलाई गई। मतलब घटना जब तेज़ी से घटी, अगर आप 2 तारीख भी कहते हैं तो भी 11 दिन बाद, और अगर आप जब से वहां लोग आंदोलन में आए क्योंकि क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, अगर उसको देखते हैं तो लगभग 22-24 दिन के बाद सरकार ने कैबिनेट बुलाई। तो इससे पता चलता है कि केवल धर्म का आसरा जो है वोटों के लिए है। सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनसे जानते हैं। सर बहुत स्वागत है आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मान्यता है बागेश्वर धाम की? एक अलग मान्यता है, चाहे वो घुगतिया त्यौहार का हो, उसमें सरयू पार सरयू वार कई अलग अलग तरीके की परंपराएं हैं। लोग यहाँ इसको एक बड़े तीर्थ के रूप में भी देखते हैं, जनेऊ यहाँ की जाती है, मुंडन किए जाते हैं, और बाबा बागनाथ के साथ साथ माँ चंडिका का आशीर्वाद लेने भी लोग जाते हैं। और एक कुली बेगार जो चला था उसको लेके जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। इस तरीके की एक ये जो परंपरा यहाँ है कि अलग अलग पार्टियाँ जितनी हैं राजनीतिक पार्टियाँ, वो भी अपने अपने मंच लगा के अपने अपने मन की भड़ास निकालने का काम करती हैं, अपने किए हुए कामों का बखान और दूसरे की गलतियों को लोगों के बीच में उजागर करने का काम करती हैं। राजनीतिक संकल्प भी यहाँ से लिए जाते हैं। जैसे एक संकल्प मैंने भी लिया था, मुझे याद है कि मेरे से जब कर्मचारी मिले थे तो इसी बगड़ पे मैंने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई को हम लड़ेंगे, और भारत का पहला विधायक होने का सौभाग्य मिला कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला मैंने उठाया आदरणीय राहुल गांधी जी से, इसमें वार्ता भी उन्होंने और उनसे भी चर्चा की, और उसके बाद उन्होंने आज मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए कि 6 राज्य जिनमें कांग्रेस का हस्तक्षेप या सरकारें हैं उन 6 राज्यों में हम पुरानी पेंशन बहाली कराने में कामयाब रहे। और आज उत्तराखंड में भी आंदोलन उसके लिए लगातार चल रहे हैं, और हम संकल्पबद्ध है कांग्रेस की जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी हम पुरानी पेंशन बहाली की को करेंगे। सर उत्तराखंड में अभी आपदा का, जैसे जोशीमठ में आपदा लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ किसकी कमी मानते हैं? देखिए निश्चित तौर पे हम सभी की कमी है, क्योंकि जब रिहिणी की घटना घटी थी और एनटीपीसी की टनल में फ्लड आया था, कई लोग हताहत हुए थे, बहुत सारे लोग मरे थे, तभी भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे। और आज से 6 महीने पहले जब वहाँ का सरकारी अस्पताल टूटने लगा था, उस समय भी मैं वहाँ गया था अपने साथियों के साथ, हमने उस समय भी ज्ञापन देने का काम सरकार को किया था। लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा कि सरकार नहीं चेती, और वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो उस समय विधायक थे, वो उस समय भी कुछ नहीं करा पाए। और इस घटना ने तो हमारे को हिला के रख दिया है कि जब ये घटना घटी और इसरो ने चेतावनी दे दी थी कि 2 तारीख से एकदम से बढ़ेगा क्रैक्स बढ़ेंगे, इन्होंने इसरो की उस वेबसाइट को भी बंद नहीं किया, इन्होंने उनको कहा कि आप इसको नहीं दिखाएंगे, और साथ में कोई प्रिवेंट करने के कोई मेजर स्टेप्स इन्होंने नहीं उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ भारी तादाद में नुकसान हुआ। और खुद जो अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, वहीं के विधायक रहे हैं, लेकिन वो 9 तारीख को पहुँचते हैं। आंदोलन को 22वां दिन था जब वहाँ लोग मशाल जुलूस लेके चल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ के मामले में बिल्कुल उदासीन रही। जहाँ एक तरफ बनभूलपुरा की घटना पे 24 घंटे भी नहीं लिए कैबिनेट बैठक बुला ली, लेकिन जोशीमठ की घटना में 13 तारीख को बैठक बुलाई गई। मतलब घटना जब तेज़ी से घटी, अगर आप 2 तारीख भी कहते हैं तो भी 11 दिन बाद, और अगर आप जब से वहां लोग आंदोलन में आए क्योंकि क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, अगर उसको देखते हैं तो लगभग 22-24 दिन के बाद सरकार ने कैबिनेट बुलाई। तो इससे पता चलता है कि केवल धर्म का आसरा जो है वोटों के लिए है, बाकी आस्था से या धर्म से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इनका हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए कोई इनके मन में भाव है, क्योंकि देश में अगर दंगे होंगे तो देश कमज़ोर होगा। आज सीमाएं खतरे में हैं, इनकी अग्निपथ योजना ने फौज को कमज़ोर करने का काम किया है, चाइना बॉर्डर में क्या हो रहा किसी को पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात ज़रूर होती है, लेकिन चाइना ने जो गांव बसा लिया उसकी बात नहीं होती, 74 किलोमीटर गांव अंदर आ गया देश के अंदर चाइना, उसकी बात नहीं होती, नेपाल हमारे पे पथराव कर रहा है, नेपाल हमारी भूमि पे कब्जा कर रहा है, उसकी बात नहीं होती, एसएसबी की सिविल विंग को ख़त्म कर दिया, उसकी बात नहीं होती। तो
हर चीज जिससे भारत कमजोर हो रहा है बीजेपी वो कर रही। चाय बेचने वाला कह के इन्होंने प्रचारित करके प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो चाय बेचने वाला तो था या नहीं पता नहीं, लेकिन देश बेचने का काम उन्होंने जरूर किया। सारी संस्थाएं, एयरपोर्ट्स, एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन से लेके दुनिया की तमाम भारत की बड़ी कंपनीज को बेचा जा रहा है, बड़ी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जिनको हमारे नीति निर्धारकों ने पिछले 70 सालों में जोड़ने का, बनाने का काम किया था। आज की ये 9 साल की सरकार उन सब चीज़ों को खंड बंद करने का काम, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। बेरोजगारी की दर ही नहीं बढ़ी है। मुझे दुख है इस बात का, जब मैं पहली बार 2007 में विधायक बना, हम बड़े गर्व से कहते थे कि केरल के बाद सबसे पढ़ा लिखा राज्य मेरा उत्तराखंड है, लेकिन अब जब अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं नेशनल, उसकी उसमें दिखाया गया कि भारत में 33वें-34वें नंबर पर उत्तराखंड चले गया शिक्षा में, तो आखिर किस दिशा की ओर को ले जा रहे हैं? अंधभक्तों की हालत ये हो गई है कि पूछो मत, उनको कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। अंकिता मर्डर केस में जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई, वीआईपी को बचाने के लिए जिस तरीके से डोरजर चला, आग लगा, होटल तोड़ा गया, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया, उस पर भी नहीं बोले। इनकी महिला विंग तक नहीं बोली, मतलब मुझे उम्मीद थी कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इनकी महिला विंग कम से कम आएगी। एक महिला निकली केवल ऋषि केस की, उसको भी पार्टी से बाहर कर दिया। तो आज भय खत्म हो गया है, जनता का डर खत्म हो गया, इनको पता, क्योंकि इन्होंने जो धर्म की चाशनी पिला दी है लोगों को, इनको पता उसी से काम चल जाएगा। लोगों को अपने बेरोजगार बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिख रही, बढ़ती हुई बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, कठिन होती हुई हर दिन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई दे रहा है तो हिंदू मुसलमान, दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान, चाइना का खतरा नहीं दिखाई दे रहा, बेरोजगार बच्चे नहीं दिखाई रहे, बढ़ती हुई कीमतें नहीं दिखाई दे रही, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है वो नहीं दिखाई दे रही, तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद सर, उत्तराखंड तक धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करण मेहरा जी, जिनने कहा कि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में हर मुद्दे पर फेल है। और इस पर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।